गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा होता है बिस्तर ठीक करना, जो कि मैंने ठीक कर दिया है। उसके बाद सब जगह की डस्टिंग करना, और यहाँ पे मैं बाबू से कुछ बातें कर रही हूँ और भाई बैठा हुआ है, कुछ काम था भाई को, तो दोनों भाई आए हुए हैं। अब आप लोग सोचोगे कि लॉकडाउन में भाई लोग कैसे आ गए, तो मैंने आप लोग को अपने ब्लॉग में बताया है कि मेरा जो घर है यानी कि मम्मी का घर, वो बहुत ही पास है यहाँ से, और भाई लोग को कुछ काम था तो वो इसीलिए आए हुए हैं। और हस्बैंड भी गए थे, कुछ सामान लाना था, तो मार्केट भी हमारा बहुत ज़्यादा पास है, बहुत दूर नहीं जाना होता है और सुबह के टाइम ही दुकानें खुली रहती हैं, तो कुछ सामान था जो कि वो लेके आए हैं। और अभी सब जगह झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। वैसे सुबह की चाय बन चुकी है, हम लोग पी चुके हैं, लेकिन भाई लोग आए हैं तो थोड़ा सा फिर से बना लूंगी चाय। और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगाने के बाद नहाने चली जाऊंगी। तो यहाँ पे चाय जो है वो बन चुकी है, और यहाँ पे मैंने भाई को और हस्बैंड को दिया है। छोटे वाले भाई से पूछ रहे हैं कि थोड़ी सी पी लो, तो बोला नहीं मैं नहीं पीऊँगा, बस वो जब यहाँ आता है तो उसको बस मोबाइल चलाना होता है मेरा। तो अभी सब लोगों ने चाय पी ली है और मैंने भी थोड़ी सी चाय पी, और बस अब फिर से लग चुकी हूँ अपने काम में, यानी कि पोछा लगा रही हूँ सब जगह। और मैं ना ज़्यादातर अपने कमरे से ही पोछा या झाड़ू स्टार्ट करती हूँ, मेरी आदत सी हो गई है, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहला काम होता है मेरा बिस्तर ठीक करना और अपने कमरे को साफ करना, तो अपने कमरे से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, ये मेरी आदत सी हो चुकी है। और हस्बैंड जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, और आप सब समझ सकते हो कि टीवी में क्या देख रहे होंगे। सुबह सुबह उठने के बाद हस्बैंड का एक ही काम होता है, टीवी चलाना और न्यूज़ देखना। गाइज कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने हस्बैंड पे, क्योंकि दिन भर न्यूज़ देखना भी ठीक नहीं है। न्यूज़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में घर कर सकती हैं, आपके अंदर डर पैदा कर सकती है। न्यूज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जिसको देख के मुझे खुद ही रात भर नींद नहीं आई है। कुछ लोग तड़प रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं, और दूसरों का दुख देख के और ज़्यादा घबराहट होती है, इसीलिए इनको मना करती रहती हूँ कि मत देखा करो। इनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, ये न्यूज़ लगा के बैठ जाते हैं टीवी में नहीं तो मोबाइल में ही, लेकिन न्यूज़ तो इनको दिन भर देखना ही देखना है। हर 10 मिनट, हर 5 मिनट में न्यूज़ एक बार ज़रूर खोलते हैं। और आप लोगों से बातें करते करते पोछा लग गया है मेरा, और मैं आ चुकी हूँ किचन में, और जो चाय वगैरह के बर्तन हैं वो धुल रही हूँ। वैसे किचन मेरा साफ़ है क्योंकि मैंने रात को ही साफ कर दिया था, तो बस चाय वगैरह के बर्तन हैं वो धुल लूँगी और उसके बाद नहाने चली जाऊँगी। तो गाइज अभी मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और नहाने के बाद थोड़े बहुत कपड़े थे जो कि मैंने धुल दिए हैं, मैंने बाबू को भी नहला दिया है। और ये जो कपड़े हैं ये मैं बालकनी में डाल रही हूँ, ऊपर पहले छत पे डालती थी लेकिन अब बालकनी में ही डाल देती हूँ, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि छत पे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर ये सूख जाते हैं। तो कपड़े वगैरह डालूंगी और उसके बाद मैं करूँगी अपना स्किन केयर। नहाने के बाद मैं अपना स्किन केयर करना कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत कुछ मत करिए, मेकअप वगैरह मत करिए, लेकिन अपना स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं करूँगी अपना स्किन केयर, और गाइज मैं अपने स्किन केयर में सबसे पहले लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। और ये जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज कर रही हूँ ये है ओजोन का, ये मैंने कैंटीन से परचेज किया था और ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं लगाऊँगी सन स्क्रीन क्रीम, और ये है VLCC का, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर VLCC का ही सनस्क्रीन यूज करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लिप बाम। लिप बाम लगाने के बाद मैं लगाती हूँ एक छोटी सी बिंदी और सिंदूर, और उसके बाद पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ।
जा रही हो? नानी के नानी के यहाँ नहीं जाना है ना, क्योंकि कोरोना बाहर घूम रहा है। जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, कोरोना बाहर घूम रहा है। ये मत पूछो। हाँ, नहीं पूछे क्यों, जाओगी? हाँ, इधर देखो, मैं इधर, आप बाबू इधर तो देखो, सोना नहीं देखना है। गाइज, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बनाने वाली हूँ आज इडली नाश्ते में। सारा काम हो चुका है, मैं नहा धो चुकी हूँ और उसके बाद किचन में आई हूँ इडली बनाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे यहाँ इडली कितनी बनती है, तो गाइज मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा इडली अच्छी लगती है और इसी वजह से मेरे घर में ज्यादा बनती है। और आज मैंने ना चावल और उड़द की इडली की तैयारी की हुई है। कल सुबह मैंने इसको भिगो दिया था, चावल को और उड़द को, और रात को मैंने इसको पीस के रख दिया था। तो अभी इसमें अच्छा खासा देखिए खमीर उठ गया है, तो इसी की आज इडली बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी चटनी। और आप लोगों को एक चीज दिखाऊं कि चटनी में किसकी बनाऊंगी, ये देखिए, ये है मूंगफली के जो नमकीन आते हैं ना वो, क्योंकि यहाँ पे मूंगफली के दाने मिले ही नहीं। आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं और जो खुली हैं उस पे ना सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो आज मैं इसी की चटनी बनाऊंगी। सांभर मेरे घर में बहुत कम खाया जाता है, चटनी के साथ ज्यादा खाया जाता है, तो आज मैं इसी से बना लूंगी। बहुत अच्छा बनता है, एक बार और मैंने बनाया था तो बहुत अच्छा बना था। तो अभी इन सांचों में फील कर लेती हूँ इडली का बैटर। पानी मैंने चढ़ा दिया है और इस तरफ दूध चढ़ा हुआ है। चलिए पहले मैं इसको भर लेती हूँ और भरने के बाद इसको चढ़ा देती हूँ, फिर चटनी की तैयारी करती हूँ। तो पहले इसमें मैं ऑयल लगा लूँ, क्योंकि सांचों में ऑयल लगाना बहुत जरूरी होता है। तो पहले इनमें सब में मैं ऑयल लगा लूंगी, थोड़ा सा एक में डाल लूंगी और उसके बाद सभी में लगा लूंगी। मुझे ना चावल और उड़द वाली इडली ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे रवे की कम पसंद है, लेकिन हस्बैंड को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो ज्यादातर मैं वही बनाती हूँ और वो बहुत जल्दी बन भी जाती है। इसमें ये होता है कि वेट करना होता है हमको, एक दिन तो पूरा लग जाता है भिगोने पीसने और खमीर उठाने में, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है, तो वो वाली ज्यादा बनती है मेरे यहाँ। तो चलिए गाइस, इसको मैं फटाफट भर लेती हूँ और इडली चढ़ा देती हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। इस समय कोई रूटीन तो होता नहीं है जल्दी उठने का या फिर जल्दी काम करने का, तो हर काम में लेट भी हो जाता है। यहाँ पे सांचों में मैंने फील कर लिया है, अब इनको तो ये देखिए गाइस, ये हो गया। अब इसको ऐसे ढक दूंगी और ये जब तक पकेगा तब तक मैं कर लूंगी चटनी की तैयारी। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई भी धुले हुए बर्तन भी दोबारा धुलती हूँ, उसके बाद ही उसमें कुछ काम करती हूँ। तो अभी इसको मैंने धुल लिया है और धुलने के बाद मैं मूंगफली के जो नमकीन है वो इसमें डाल रही हूँ, अपने अनुसार जितना डालना है इसमें डाल लूंगी। उसके बाद इसमें लहसुन, धनिया पत्ता, हरे मिर्चा सब डालूंगी। चलिए डाल लेते हैं, पहले इसमें डाल रही हूँ धनिया और ये मिर्चे लहसुन। उसके बाद इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी खटाई, उसके बाद नमक, और गाइस नारियल नहीं है घर पे और मिला भी नहीं है, तो ऐसे ही ये चटनी मैं बना रही हूँ। और इसमें ऐड कर दिया है पानी, और पानी डालने के बाद बस मिक्सर में इसको पीस लूँगी और पीसने के बाद ये चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इडली भी मेरे ख्याल से हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं इसे चेक कर रही हूँ, ये देखिए, तो इडली भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैं निकाल रही हूँ इनको सांचों से और मैं चम्मच की सहायता से निकालती हूँ। तो सबसे पहले मैं मम्मी को नाश्ता निकाल रही हूँ, और नाश्ता निकालने के बाद हम लोग भी नाश्ता करेंगे, लेकिन सबसे पहले मम्मी को दे दूँ, वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और गाइज ये रहा आप लोगों का नाश्ता, तो चलो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो
गाइज अभी फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। नाश्ता तो हमारा हो गया है लेकिन अभी ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं तो इनको जब तक मैं धुलूंगी नहीं ना तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं ये जो इडली के सांचे हैं इनको धुलूंगी और धुलने के बाद ये पूरा इडली मेकर धुल के और धूप में रख दूंगी सूखने के लिए। मैं ऐसे ही इनको लगा के नहीं रखती तो ये काम पहले करूंगी और उसके बाद जितने भी बर्तन हैं वो धुलूंगी। और बहुत ज़्यादा अभी किचन का काम नहीं दिखाऊंगी आप लोग को क्योंकि मैंने सुबह भी थोड़ा सा काम दिखाया था। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग को किचन वगैरह साफ़ करने के बाद। हे गाइज ये देखिए किचन भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है और अभी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। मुझे जब तक काम पड़ा होता है ना तब तक मुझे ना तो नींद आएगी ना चैन आता है, मुझे मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता जब तक कि सारे काम ना हो जाएं। और अभी सारे जो काम हैं वो ख़त्म हो गए हैं और हस्बैंड जी की तो नाक बज रही है, पता है उनको ना सोना बहुत पसंद है। उन्होंने मेरे साथ थोड़ी देर टीवी देखा और उसके बाद वो सो गए और मैं आ गई किचन में काम करने के लिए। तो वो तो सो रहे हैं लेकिन मैं अभी जग रही हूँ और अभी मैं सोऊंगी भी नहीं क्योंकि मुझे करना है वीडियो की एडिटिंग तो वो करूँगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस लॉकडाउन की वजह से सारा ही रूटीन चेंज हो गया है और ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, सबके घरों में आजकल हर काम लेट हो रहा है। लॉकडाउन ने सबकी जिंदगियां बदल दी हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है, हर कोई चेंज हो गया है, किसी को भी जल्दी नहीं है कि सब कुछ बदल चुका है, हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है लॉकडाउन की वजह से। है तो हमारे लिए बहुत अच्छा लेकिन मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए जैसे कि पहले था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और गाइज अभी इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है तो चलो इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप सब भी अपने घरों में रहो, अपने परिवार के साथ इंजॉय करो और बाहर बिल्कुल भी मत जाओ क्योंकि बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए।